उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी की ओर से लगातार रणनीति तैयार की जा रही है, जबकि कांग्रेस के नेता आपस में ही लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस में मचे घमासान पर बीजेपी ने भी चुटकी ली है। बीजेपी के राजपुर विधानसभा से विधायक खजान दास का कहना है कि बीजेपी के सामने कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है। देखिए, कांग्रेस अभी कोई चुनौती नहीं है उत्तराखंड में। अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं, कांग्रेस जहां पर स्टैंड कर रही है और पूरी तरह से जो है बिखर चुकी है आज की डेट में। जब विधायक खजान दास ने आगे कहा कि कांग्रेस के नेता आपस में ही लड़ते रहते हैं, जिसका नतीजा ये रहा कि हरिद्वार में हुए पंचायत चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है और आगे भी बीजेपी चुनाव में शानदार प्रदर्शन करेगी। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई जिस चरम सीमा पे जो मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इसके माध्यम से जो बाहर छन करके आ रही है, वो आपस में कटाक्ष करते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप करते रहते हैं, और इसी कारण अब जनता भी समझ गई कि कांग्रेस अब कहीं नहीं टिकने वाली। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान है और बढ़ भी रहा है, और इसका परिणाम है कि आपने अभी देखा होगा कि हरिद्वार के चुनाव में कभी भारतीय जनता पार्टी जो पंचायत के चुनाव होते थे तो उसमें आगे नहीं आती थी, कभी भारी सीटें नहीं जीत पाई थी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का अभी परचम लहराया है। वहाँ हमारे 6 के 6 विकास खंड के जो ब्लॉक प्रमुख है निर्विरोध चुने गए हैं, और इसी प्रकार जिला पंचायत का अध्यक्ष सहित ये पहली बार इतिहास की एक घटना है कि हरिद्वार की जनता ने निर्विरोध जिला अध्यक्ष को बनाया है। वही कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, पार्टी के सभी नेता एक हैं। उन्होंने बीजेपी नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं को अपनी पार्टी में ध्यान देने की जरूरत है। चलती रहती है, अभी भी हरीश रावत जी का बयान आता है कि मतलब इशारों में प्रीतम सिंह जी के लिए कि वो पैदाइशी सीएम बन जाते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी में किसी भी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है, और जहां तक आप हरीश रावत जी के बयान की बात कर रहे हैं, आप अगर उस बयान को गौर से पढ़ेंगे या सुनेंगे तो हरीश रावत जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में इतने क्षमतावान नेता हैं जो राष्ट्रीय स्तर तक नेतृत्व कर सकते हैं, जो अपने सुझावों से पार्टी को बहुत ही लाभान्वित कर सकते हैं। तो हरीश रावत जी का बयान एक मार्गदर्शन के तौर पर, एक सुझाव के तौर पर है। अगर आप देखेंगे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की क्षमता से अगर उसका सदुपयोग किया जाए, उनके सुझावों का अगर सदुपयोग किया जाए, तो आने वाली पीढ़ी को, आने वाले नेताओं को और राज्य को उसका बहुत अधिक लाभ मिल सकता है। उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी जगजाहिर है। कभी हरीश रावत तो कभी प्रीतम सिंह ऐसे बयान दे देते हैं जिसमें गुटबाजी जगजाहिर हो जाती है। वहीं बीजेपी लगातार कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर चुटकी ले रही है। अब देखना होगा आखिर कब तक कांग्रेस में गुटबाजी जारी रहती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।